सॉरी दोस्तों, बिजली विभाग द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस पर मैं चयन किस प्रकार से होगा उसके लिए एक वीडियो बनाया हूँ, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा आज फिर आप लोगों को पूरा डिटेल आप लोग को बताने वाला हूँ। उस वीडियो में मैंने अंकों का 70% बताया, लेकिन अंकों का 70% नहीं रहेगा, प्रतिशत का 70% अंक आपको मिलेंगे, बाकी अनुभव का इस वीडियो में पूरा हम बात करने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है हेमंत और स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन के एक और नए वीडियो में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक अनुमानित कि कितने प्रतिशत लाने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, अनुभव का लाभ आपको कैसे मिलेगा, अनुज्ञा क्या चीज़ है, और अनुभव वालों के साथ जिसका अनुभव नहीं है उसके साथ हम लोग तुलना करके देखते हैं कि अनुभव के लिए आपका प्रतिशत इतना है, और अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो उसके लिए कितना प्रतिशत तक, हम लोग इसके लिए तुलना करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि सर हम फॉर्म अप्लाई करें कि ना करें, तो मैंने बहुत को रिप्लाई भी किया है, और यहाँ पर तो बहुत लोगों ने पूछा कि कितने प्रतिशत अंक होने से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो कहा नहीं जा सकता कि कितने प्रतिशत अंक, अब देखो कितना ज़्यादा हाईएस्ट जाता है उसके अनुसार से होगा, लेकिन यहाँ पर अनुभव का जितना अनुभव वालों के लिए सबसे पहले बता दूँ, अनुभव वालों के लिए जितना ज़्यादा आपका प्रतिशत है उतना ही अच्छा है, और यहाँ पर चांस जो है जिसका अनुभव नहीं है बहुत ही कम चांस बन रहा है। अभी हम आखिरी में और बात करेंगे, तुलना करेंगे कि कितने प्रतिशत अंक लाते हैं तो दोनों का बराबर हो जाता है, क्योंकि अनुभव वालों को 20 से 30 अंकों का इजाफा हो रहा है उस प्रतिशत में, जितना निकालेंगे उसमें अभी बताऊंगा मैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा, और उसके बाद अनुभव का लाभ कैसे मिलेगा, तो अनुभव का लाभ तो आप जानते हैं, आपका जितना प्रतिशत है उसमें 70% निकाल लें, और निकालने के बाद 20 अंक जोड़ दें या 30 अंक जोड़ दें, इस पर भी हम बात करेंगे। रही बात अनुज्ञा की, तो प्रतिष्ठान द्वारा जिसको अनुज्ञा मतलब अनुमति, जिसको अनुमति है, मेरे ख्याल से शायद अगर कुछ मिस्टेक हो तो मेरे कमेंट्स में जरूर से बताना कि अनुज्ञा का मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ, जिसको विद्युत विभाग के अनुष्ठान प्रतिष्ठान के द्वारा अनुभव या हम कह सकते हैं अनुमति है, उसको ही हम अनुज्ञा कह सकते हैं। और अनुभव अगर आपके पास है तो आपको अनुभव का प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा, और बनाने के साथ साथ आपको वहाँ पर जब फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर आप पहले से भरे होंगे, तो आपने दर्शा दिया होगा कि हमने दिनांक यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम किए हैं, और उसका अवधि भी आप भर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलिए मेन हमारा जो टॉपिक है अनुभव वाले के साथ तुलना करते हैं। जैसे एक बात और बता दूं कि जैसे हम जैसे कोई आदमी का जैसे आपका हम कैसे निकाल सकते हैं, तो जैसे मान लो मेरा 50% है, चलिए 50 नहीं मैं कर लेता हूँ 90% है, तो यहाँ पर मैं ऐसे 90 लिख लेता हूँ। 90% मैंने कक्षा 10वीं में लाया, 90% का यहाँ पर 70% निकलेगा, बटे 100 कर दो प्रतिशत का, इस प्रकार से 100 कर लेंगे। मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पर गलती कर दिया था, मैं टोटल अंकों का 70% कर दिया था, वो थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ पर इसका 70% अगर हम निकालते हैं तो ये और ये शून्य शून्य कट जाएगा, तो 9 7 यहाँ पर हो जाएगा आपको 63 अंक जो है, यहाँ पर अंक जो है आपको मिल जाएगा, ऐसे इनका नोटिफिकेशन में कहा गया। तो इस प्रकार से आप जो है निकाल सकते हैं। अगर आपके पास अनुभव है, जैसे दो दो वर्षों का अनुभव है तो उसमें आप 20 जोड़ सकते हैं, अगर आपके पास 3 वर्षों का अनुभव है तो 3 वर्षों से अधिक है तो आप यहाँ पर 30 जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से अंकों में देखिए कितना बड़ा इजाफा हो रहा है आपका, देख लीजिए यहाँ पर 6 ये हो गया 65 अंक हो जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएंगे आपका यहाँ से शायद सॉरी यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 9। इस प्रकार से अंकों में बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है अगर आपके पास अनुभव है। तो इस प्रकार से आप भी अपना निकाल सकते हैं। जैसे 90% का मैं निकाला, 90 का 70% निकाला, तो 90 का 70% 63 अंक हो गए, और इस 63 में अगर आप 20 जोड़ देते हैं या फिर आप 30 जोड़ते हैं, अगर आपके पास अनुभव है तो 20 3 अंक से 3 साल से अधिक है तो 30 अंक जोड़ दें,
और अगर 3 साल तक का ही है तो आप यहाँ पर 20 अंक जोड़ देंगे तो इस प्रकार से आपका निकल जाता है दोस्तों। उसके बाद चलिए हम जबरदस्त बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपका जैसे अनुभव नहीं है और आपका प्रतिशत हाईएस्ट भी है, और जिनका अनुभव नहीं है उसके लिए भी मैं एक तुलनात्मक बताता हूँ, उसके बाद आप लोग देखेंगे। यहाँ पर आप लोग देखें, चलिए अगर जिसका अनुभव है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनुभव, है ना, अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है और आपके पास 90% है, आपने कक्षा 10वीं में 90% है और आपके पास अनुभव नहीं है, तो 90 का जैसे मैं अभी निकाला था 70% निकाल दूं तो यहाँ पर आया था 970, यहाँ पर मैंने कर दिया था तो ये हो जाएगा 63 अंक आपका बन रहा है। तो ये आपके पास अनुभव नहीं है, यहाँ पर आपके पास अनुभव नहीं है तो यहाँ पर आपको सिर्फ 63 अंक मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं हम, यहाँ पर अब आपके पास अनुभव है ना, वो भी मान लो 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का अनुभव है आपके पास, एक उदाहरण है ये, अनुभव है वो भी मान लो आपके पास 3, और अनुभव नहीं है और उसका कितना प्रतिशत मान लेता हूँ, चलिए अभी 90 लिया था, चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 50% ही कक्षा 10वीं में है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे मेहनत के विद्युत विभाग के लिए, तो उसको अनुभव का लाभ भी उनको जरूर से मिल रहा है, तो मिलने के बाद उनको 3 वर्ष का अनुभव है तो 3 वर्ष से अधिक अनुभव है तो उसको तो 30 अंक मिलेंगे, अगर 3 वर्ष से कम है तो उसको 20 अंक मिल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर 3 वर्ष से अधिक के अनुभव के लिए निकाल रहा हूँ, और जिसको अनुभव है वो 50% अंक लाया हुआ है, और लाने के बाद चलिए इसको निकालते हैं। अब देख लेते हैं 50% का 70% अंक लेना है तो यहाँ पर मैं बटे ऐसे 100 कर दिया, यहाँ पर शून्य, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य, यहाँ शून्य, और यहाँ पर हो जाएगा 5 7, तो इनका जो है 35 ही अंक मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका 35 ही अंक मिल रहा है। अब लेकिन इनके पास अनुभव है, 50% तो पाया है लेकिन इसके पास अनुभव है, तो इसमें इस अनुभव में आपका जैसे 3 साल से अधिक है तो इसको 30 अंक मिलेगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका जो टोटल अंक है यहाँ पर 65 बन जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 65 अंक बन गया, तो ये 65 अंक देखिए, एक 90% वाला है और दूसरा जो है 50% वाला है। सबसे बड़ा सवाल यहीं पर है, हम अगर तुलना करें, यहाँ पर 90% वालों का निकाला मैं, यहाँ पर 50%, सिर्फ अंतर यहाँ है कि इसके पास अनुभव नहीं है, 90% तो है लेकिन अनुभव नहीं है, इसके पास अनुभव है लेकिन 85% है, फिर भी इन्होंने इसका अंक बहुत हाई हो रहा है इसके मुकाबले। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 63 अंक है और यहाँ पर देखें तो इनका 65 अंक है, तो इस प्रकार से आप अगर कह सकते हैं कि 50% अंक भी है ना, 50 का 70% निकाला तो 35 आया, 35 में अपन 30 जोड़ दिए क्योंकि 3 साल से अधिक का अनुभव है, तो यहाँ पर 65 आ गया, तो यहाँ पर देख लीजिए 90% भी आपका है, फिर भी आप इनसे पीछे रहेंगे। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसके पास अनुभव है उनको अच्छा खासा यहाँ पर इसका बेनिफिट्स मिलने वाला है अगर आपके पास अनुभव है तो दोस्तों। तो इस प्रकार से मेरे से यही गलती हुआ था, मिस्टेक हुआ था, मैं शायद उसको समझ नहीं पाया था नोटिफिकेशन को, तो मैंने यहाँ पर टोटल अंक का 70% निकाला था, जो कि ऐसा नहीं, जब आप लोग कमेंट्स किए तो उसके बाद फिर से देखा तो मुझे ये पता चला, तो यहाँ पर एक मैं सोचा कि फिर से एक बार नया वीडियो लाया जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो देखिए 90 के साथ तुलना किए, यहाँ पर 50% के साथ तुलना किया, दोनों का अंतर में कितना डिफरेंस आ रहा है ये जो है आप लोग को देखने को साफ मिल रहा है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके वेतनमान के बारे में आपने पूछा था, तो चलिए आज इसके वेतनमान के बारे में भी बात कर लेते हैं। विद्युत विभाग में वेतनमान जो है, जो मैंने यहाँ पर नोट करके रख लिया है, यहाँ पर पे स्केल यहाँ पर इस 14,800 से लेकर के 33,000 रुपये तक का इसका स्केल है,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका यहाँ पर बोला गया है कि ये जो है आपका प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, मैंने ऐसा लिखा है, ये जो है आपका परीक्षा अवधि के दौरान आपको इस वेतनमान में आपको प्रथम वर्ष में 70% मिलेगा, और द्वितीय वेतनमान में 80% मिलेगा, और तृतीय वेतनमान में 90% मिलेगा। जैसे ही और 4 साल हो जाएगा आपका, 3 साल से ऊपर हो जाएगा, उसके बाद 100% आपको पूरा वेतनमान आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे 14,800 है तो इसका हम बेसिक निकाल लेते हैं, तो जैसे कि 14,800 स्टार्टिंग है, तो 14,800 का आप प्रथम साल के लिए मैं निकाल रहा हूँ प्रथम साल, तो इसको 70% निकालेंगे, तो 70% निकालेंगे तो 10,360 रुपया हो जाता है। तो ये बन जाएगा आपका मूल वेतन, अर्थात बेसिक है ये, हालांकि मैं थोड़ा सा प्रयास किया हूँ इसको निकालने का, आप लोग भी अपने तरह तरह तरीके से निकाल सकते हैं, कुछ गलती हो तो उस पर कमेंट्स करके जरूर बताइए। और इस 14,800 का 70% निकाला तो यहाँ पर 10,360 रुपया हो गया। अभी जो है छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता जो है, महंगाई भत्ता 12% है, जिसके लिए कर्मचारी लगातार प्रयासरत हैं कि केंद्र के समान 28% दिया जाए। तो अभी फिलहाल तो महंगाई जो है 12% ही दिया जा रहा है, तो हम इसका महंगाई निकालेंगे, 10,360 का 12% निकाल रहे हैं तो ये हो गया 1245। तो इस प्रकार से ये मूल वेतन और ये महंगाई अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो 11,605 रुपये हो जाएगा। इस 11,605 रुपये में आपका आवास भत्ता जुड़ेगा, उसके बाद आपका चिकित्सा भत्ता भी जुड़ जाएगा। चिकित्सा भत्ता कितना देंगे ये तो क्लियर नहीं बता सकता मैं, आवास भत्ता भी कितना देगा इसको भी मैं क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन आपका जो है 11,605 रुपये से एक्स्ट्रा ही बनेगा आपका वेतनमान। लेकिन इसमें एक बात और है, आपका जो CPS कटौती है, आपका जो CPS कटौती है जब आप जॉब करेंगे उसके बाद आपका CPS प्राण नंबर आएगा, उसमें CPS कटौती होता है, जो कटौती होगा तो आपका जो पेंशन के रूप में आपको जो आखिरी मिलता है इसी में से आपका पैसे को आपका काट दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, ये जो है प्रथम साल के लिए मैंने बताया, उसके बाद आप 80% दूसरा, जैसे ही 1 साल हो जाएगा आपका वेतनमान का 80%, मतलब इससे ज़्यादा और बढ़ जाएगा। उसके बाद आपका तीसरा वर्ष हो जाएगा तो इसका 90% देंगे, इसी का 90%, अर्थात यहाँ और बढ़ जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे ही तीसरा साल हो जाएगा आपको पूरा का पूरा, जब आपका परीक्षा अवधि समाप्त हो जाएगा तो पूरा 100% आपको यहाँ पर पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप वेतनमान मैंने निकालने का कोशिश किया, कुछ गलती हो तो आप मुझे कमेंट से करके बताइए, हो सकता है मेरे से भी कुछ गलती हो सकती है। तो इस प्रकार से आप भी यहाँ पर वेतनमान की गणना ऐसे कर सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब ये है कि आपको प्रथम साल में मान लो 1,000 कटेगा भी, 2-3 हजार रुपया तो आपका कट जाएगा, तो मिनिमम लेके चलते हैं 9,000 और 10,000 के बीच में आपको प्रथम साल में आपका वेतनमान, आपका हैंड पेमेंट होने वाला है। तो इस प्रकार से आप वेतनमान को भी आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से और नए नए वीडियो के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन दबाना ना भूले। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे से कंटेंट के साथ फिर से मुलाकात होगी, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।